पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा जल्दी ही कोरोना वैक्सीन आने की संभावना है और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कोरोना महामारी से निपटने में जल्दी से वैक्सीन आ जाए और बहुत जल्दी वैक्सीन आने की संभावना भी है। ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। आज बैठक में हमने यह विचार किया कि वैक्सीन आने पर टीकाकरण का काम कैसे किया जाए, उसकी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश भी पूरी तैयारी कर रहा है, कोल्ड चैन और उसके साथ साथ टीकाकरण के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण की तैयारी हमने कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा प्रधानमंत्री जी ने भी और मैं भी अपनी जनता से निवेदन करना चाहता हूं, अभी तो वैक्सीन आई नहीं है लेकिन काम चल रहा है, जल्दी ही वैक्सीन आएगी, लेकिन वैक्सीन भी आ जाए तो हमको ढिलाई बिल्कुल नहीं रखनी है क्योंकि कोरोना से बचने का सशक्त माध्यम मास्क लगाना है, इसलिए मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का काम हमारे वैज्ञानिक, हमारी कंपनियां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जल्दी पूरा करेंगे, इसकी संभावना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ली, विशेष रूप से इसलिए कि जब वैक्सीन बन के आ जाए तो तत्काल वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम हम सभी राज्यों में अपनी जनता के लिए कर सके। मध्यप्रदेश का जहां तक सवाल है, हमारी पूरी तैयारी है। हमने कोल्ड चैन स्पेस, वैक्सीन परिवहन, नवीन कोल्ड चैन फोकल पॉइंट का विस्तार, कोल्ड चैन उपकरण कंडमनेशन, ड्राई स्टोर, कोल्ड चैन स्टोर की मॉनिटरिंग और हमारे जो वैक्सीन टीकाकरण करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनकी ट्रेनिंग, इसका काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ कर दिया है। हमने राज्य स्तर पर इसके लिए संचालन समिति भी बना ली है जो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में काम करेगी और उसके साथ साथ जिला स्तर पर टास्क फोर्स बन गई है, ब्लॉक स्तर पर भी हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। हम टीकाकरण के इस काम में समाज को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे, एनजीओ, हमारे युवा संगठन एनसीसी एनएसएस के कार्यकर्ता और बाकी स्वयंसेवी संगठनों का भी साथ लेंगे, सहयोग लेंगे। जहां तक मध्यप्रदेश का सवाल है, हमारी तैयारी पूरी है। वैक्सीन आने पर प्राथमिकता क्या रहेगी लगाने की, उसकी तैयारी भारत सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय करेगी और जैसे ही वैक्सीन आएगी मध्यप्रदेश में बिना किसी विलंब के तत्परता के साथ टीकाकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। एक तो ये प्रसन्नता का और गर्व का विषय है कि हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन जल्दी आ जाए और बहुत जल्दी आने की संभावना है। ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए। आज बैठक में हमने इस पर विचार किया कि वैक्सीन आने पर कैसे टीकाकरण का काम तेजी से किया जाए, उसकी हमने व्यवस्थाएं बनाई है। मध्य प्रदेश भी पूरी तैयारी कर रहा है। उसके साथ ही
एक निवेदन जो प्रधानमंत्री जी ने भी किया, मैं अपनी जनता से करना चाहता हूं कि अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, तैयारियां चल रही, जल्दी आएगी ये विश्वास है, लेकिन वैक्सीन भी आ जाए तो हमको ढिलाई बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि कोरोना से बचने का सशक्त अगर कोई माध्यम है तो वो मास्क लगाना है। इसलिए मास्क लगाए रखें, दूरी बनाने का प्रयास करें, और सभी समाजसेवियों से, स्वयंसेवी संगठनों से मैं अपील करता हूं कि स्वयं भी मास्क लगाएं, और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हो तो उसको समझाइश भी दें, मैं भी समझाइश देने का प्रयास करता हूं। सर लॉकडाउन लगाने का? धन्यवाद, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।